हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, सुबह के 8 बज चुके हैं, तो अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ मैं बाहर से। तो गाइस, कल तो आपने देखा पापा का ऑपरेशन हुआ, तो पथरी भी आपने देख ली होगी कितनी बड़ी थी। तो यही मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल, मतलब इसलिए चुभन हो रही थी पेट में, और पथरी कांटेदार हो तो चुभन तो होगी, इसीलिए पापा को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। उसी की वजह से जैसे टॉयलेट आ रहा होगा तो वो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की वजह से वो मतलब ऐसे चुभन हो रही थी पेट में। और हॉस्पिटल में आना जाना स्टार्ट हो चुका है, मतलब जो पेशेंट वगैरह वो आने स्टार्ट हो गए हैं, और डेली ऐसी भीड़ होती रहती है। अभी टेस्ट के लिए आया था 86 नंबर में, और इसमें 3 फ्लोर हैं 86 नंबर में। पहला नीचे पैथोलॉजी, और दूसरा बायो, और तीसरा ये है माइक्रो। तो तीसरा फ्लोर में माइक्रो वाला है, अगर माइक्रो लिखा है तो तीसरे फ्लोर में माइक्रो का टेस्ट होगा, यानी जो भी है। टेस्ट कराने के लिए इतने चक्कर मारने पड़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, तो अभी टेस्ट वगैरह दे दिए हैं मैंने कराने के लिए, अब देखते कब तक आता है। रिपोर्ट लेने आया था, रिपोर्ट ले लिया मैंने, और पहले सैंपल देने आया था, और अभी रिपोर्ट लेने ले करके जा रहा हूँ। तो अभी 12:30 हो गए हैं, तो अभी रिपोर्ट लेकर के चलते हैं नीचे। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं, और खाना खाने आ गया हूँ मैं यहाँ पे, और यहीं बगल में कैंटीन है, तो कैंटीन में आज खाना होगा मेरा। तो अभी बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है रिपोर्ट लाते लाते, तो खाना खाते हैं पहले। तो खाने में बना हुआ है दाल और सब्जी, सब्जी है आलू और शिमला मिर्च, और खीरा है, और रोटी है। तो खाना खा लेते हैं पहले। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत। तो गाइज, ये है स्टेडियम श्रीकोट का, और इसमें बच्चों को खेलने के लिए बना रखा है। ये देख सकते हो आप, परसों मैं दिखा नहीं पाया था तो आज दिखा रहा हूँ। और इधर की तरफ भी बना रखा है ये बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो ये भी आप देख सकते हो, एक तरफ से बच्चे चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से फिसल के नीचे आ रहे हैं। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा मस्त वाला ये बना रखा है स्टेडियम में बच्चों के लिए, खासकर तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया बना रखा है, ज़बरदस्त वाला जिसको कहते हैं। और इधर की तरफ भी रॉक क्लाइंबिंग वाला बच्चों के लिए, रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए बना रखा है, तो इसमें चढ़ भी रहे हैं बच्चे, ये देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार जिसको कहते हैं। परसों में इसको दिखा नहीं पाया था नज़दीक से। गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं, और मैं थोड़ा सा घूमने आया था, और ये पीछे जो पीछे गेट देख रहे हो आप, ये इधर वाला गेट है जो स्टेडियम है श्रीकोट का, उसमें आया हूँ आज फिर से दोबारा। परसों तो ऐसे ही आया था जल्दीबाजी में, तो आज आया हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और मौसम भी ख़राब है। तो यह है स्टेडियम, और ये स्टेडियम का इधर वाला गेट है, वो पिछली बार जो दिखाया था वो उधर की तरफ है, और यहाँ से इधर की तरफ ये अलकनंदा नदी, यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा, मतलब पहले तो इधर यहाँ तक जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक पूरी नदी आती थी, तो अभी उधर की तरफ है, तो ये देख सकते हो। और आज इधर की तरफ घूम रहा हूँ, तो ये है स्टेडियम यहाँ पे छोटा सा। तो गाइज, स्टेडियम में इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है शाम को, और घूमने वालों की, बच्चों की, सबसे ज़्यादा तो बच्चों की रहती है, क्योंकि बच्चों के लिए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेटर बना दिया है, खेलने कूदने का अलग, और उधर से जिम वाला वगैरह वाला अलग, और जो 16 वाले हैं उनके लिए चिनअप वगैरह जिम का पूरा लगा रखा है उधर, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा है। और घूमने वाले जो महिलाएँ होती हैं और जेंट्स होते हैं जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अलग बना रखा है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है शाम को यहाँ पे। तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, बारिश का मौसम बन रहा है बहुत ही ज़्यादा तेज़, और हो सकता है बारिश हो जाए शाम तक। और यहाँ पे ये देख सकते हो जिम वाला, तो अंधेरा भी होने वाला है, तो ये देख सकते हो आप। तो गाइस, बारिश का मौसम हो रहा है, और निकलते हैं घर क्योंकि अंधेरा हो गया ऊपर, जबकि अभी टाइम भी अभी कम ही हुआ है, लगभग 6:30 हुए हैं लगभग, तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं बारिश होती है या नहीं। बारिश होगी कंफर्म है, बूंदाबांदी हो रही है। तो यहाँ गली में लाइटें भी जल गई हैं और अंधेरे होने के कारण, और आज मैं इधर की तरफ से आया हूँ, पल्ली तरफ शिशु विद्या मंदिर की तरफ से नहीं गया, आज इधर की तरफ से आया हूँ, तो यहाँ से भी देखते हैं रास्ता कैसा है।
तो अभी बारिश भी लग गई है बहुत ज़बरदस्त की, और आज पूरे दिन भर हॉस्पिटल के अंदर ही था पापा के साथ। तो अभी बाहर आया जैसे तो अंधेरा हो चुका था। तो गाइस अभी चलते हैं थोड़ा सा खाना खाने, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो गया। तो खाना आज यहीं अंदर कैंटीन में खाएंगे, क्योंकि बारिश लगी हुई है बाहर। तो कैंटीन में चलते हैं, पहले कैंटीन में खाते हैं खाना। और कैंटीन है मेरे पीछे यहाँ पे, ये सामने यहाँ पे ये है जहाँ पे लाइट जल रही है, तो यहाँ पे कैंटीन है। तो आज खाना कैंटीन ही में खाएंगे। बारिश हो रही है बाहर, बाहर जाने का वो नहीं हो पा रहा, मतलब बारिश हो रही है तो इसलिए। तो अभी रात का खाना खाने आया था यहाँ पे, और रात के खाने में चावल दाल सब्जी रोटी है। तो रोटी तो खा चुका हूँ, दिखाता हूँ बाकी आपको। रात के खाने में है अभी चावल और दाल और सब्जी। तो खाना खाते हैं पहले और उसके बाद चलते हैं सीधे। तो आज कैंटीन में खाना खाना आया था। तो अभी हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है, लेकिन थोड़ा सा वॉकिंग भी कर रहा हूँ। थोड़ा वॉकिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि अंदर ही अंदर बैठा हुआ था। तो अभी थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वॉकिंग के बाद फिर अंदर चलेंगे सीधे पापा के पास। तो अंदर है छोटा भाई है पापा के पास। तो अभी थोड़ा वॉकिंग करते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं थोड़ा सा। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एंड बाय बाय।